सो हेलो गाइस, नमस्ते इंडिया। तो क्या हाल है भाई लोग आपके? उम्मीद करता हूँ आप सब घर पर अच्छे से ही हैं और बढ़िया से रह रहे होंगे। सो गाइस, मैं फिर से आ गया आपके लिए और एक न्यू वीडियो लेके। सो गाइस, आज का टॉपिक है ना, वो बहुत ही ज्यादा मतलब इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। सो गाइस, आप सबको पता होगा रिसेंटली एक इंडेक्स निकला था, रिलीजियस माइनॉरिटी इंडेक्स, जिसमें भाई इंडिया ने टॉप वन किया था। और भाई इसमें आप अगर पाकिस्तान के रैंक देखोगे तो वो है 104। तो भाई इसी वजह से पाकिस्तान में एक यूट्यूब चैनल है जिनका नाम है डेली स्वाग, वो जाके पाकिस्तानी पब्लिक से ये राय ले रही है कि हमेशा पाकिस्तानी ये कहते हैं इंडिया में मुसलमानों पर और सिख पर और जो बाकी माइनॉरिटी है उन पर जुल्म होता है। तो भाई इंडिया ने इसमें कैसे टॉप वन किया, तो इसी अवल से चलिए देखते हैं कि पाकिस्तान की जो जाहिल जनता है वो इस पर क्या रिव्यू देती है। और भाई इस पर बहुत ही गंदा वाला रिव्यू आया है। तो चलिए भाई बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और भाई वीडियो में इनके हम अच्छे से बजाएंगे। लेकिन भाई वीडियो स्टार्ट करने से पहले भाई अगर आपको मेरी वीडियो जरा से भी पसंद आई हो तो प्लीज़ यार गाइज चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, एक लाइक कर दीजिए और एक कमेंट कर दीजिए, क्योंकि भाई वीडियो में आने वाला है बहुत ज़्यादा मज़ा। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जय हिंद। तो बेसिकली अभी रिसेंटली एक ग्लोबल रिलीजियस इंडेक्स ने अपनी एक रिपोर्ट छाया की है, जिसके मुताबिक उन्होंने बताया कि कौन कौन सी कंट्रीज ज़्यादा सिक्योर है रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से। बताया जाता है कि इंडिया उस पर नंबर वन है। अच्छा, चाइना की मैं बात करूँ तो चाइना का नंबर उसमें 90 है। अगर मैं बात करूँ पाकिस्तान की, 104 नंबर पर पाकिस्तान आता है। क्या समझते हैं आप, पाकिस्तान के अंदर रिलीजन्स को आज़ादी हासिल नहीं है जो कि अदर रिलीजन्स यहाँ पर है, क्या समझते हैं आप, कितनी सच्चाई है इसमें? मैं तो ये समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा जो आज़ादी है पाकिस्तान में वो जितने भी मजहब है सबसे ज्यादा आजादी पाकिस्तान में। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो। आप यहाँ पर सोशल मीडिया पे देख लें, आप यहाँ पर जो भी जितने भी प्लेटफॉर्म है सब पे देख लें कि सबको बोलने का हक है और सबको मजहबी आजादी है। मेरा नहीं ख्याल कि हमारे मुल्क में कभी कोई ऐसे वाकया तो हुए जिनको हम बेस बना के ये कह सके कि पाकिस्तान में कभी भी ये जो है वो सिक्योर नहीं रहा पाकिस्तानी सवाले से। मेरा ख्याल है पाकिस्तानी सवाले से काफ़ी सिक्योर है। और ये इन्फॉर्मेशन जिसने भी शेयर किया उसके मुताबिक उसको या तो इसके मुताबिक वो प्रॉपर जानते नहीं हैं या उन्होंने प्रॉपर गाइडलाइन नहीं दी। हाँ भाई, मुझे भी यही लगता है, जिसने भी भाई ये इंडेक्स निकाला था ना उससे पहले आके इन पाकिस्तानों से पहले मशवरा लेना चाहिए था, क्योंकि भाई वर्ल्ड के सबसे पीसफुल देश इन पाकिस्तान ही है। साला शर्म नहीं आती तुम्हें? कितने वाकया गिन बाबू, फोर्स कन्वर्जेशन, फोर्स मैरिज, हिंदू टेम्पल्स डिमोलिश्ड, किलिंग नॉन मुस्लिम्स। तुम चूतिए सिर्फ चूतिए वाले ही बात कर सकते हो, तुम्हें साला सब कुछ पता है। कैमरे का आगे आके खुद को दूध के धुले दिखाते हो, हट। सर, हिंदुस्तान इंडिया हमेशा से एक पॉइंट ऑफ व्यू उठाता है, जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था तो तकरीबन हमारे पास 20% या 25% हिंदू मौजूद थे, लेकिन अभी वो सारे खत्म हो गए, सिर्फ 3% या 4% हिंदू रह गए। तो वो सवाल करते हैं हमसे, वो कहाँ गए हिंदू? असल में जब पार्टीशन हुई तो पार्टीशन के वक्त यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है वो यहाँ से हिजरत करके चले गए, और उनमें से जो बाकी लोग बचे वो बहुत ही कम तादाद थी। अगर हम टोटल अपनी आबादी का देखें तो हम 98% मुस्लिम है, 2% जो है वो हमारी अदर पॉपुलेशन है। वही बात कर रहा हूँ आपको, पार्टीशन के बाद की बात है, जब पार्टीशन हुए तो एक रैंक जारी हुआ जिसके अंदर पाकिस्तान का जो सबस रंग था वो तकरीबन ज़्यादा, और जो के सफ़ेद रंग था उसके मुताबिक हमें माइनॉरिटीज़ में हमें बताया जाता था 25% माइनॉरिटीज़ है, लेकिन वो कहते हैं कि हिंदू कहाँ गए, 25 जो के 15% 20% हिंदू थे वो कहाँ गए। सवाल करते हैं हम, इसका क्या जवाब देंगे? मेरे ख्याल में ये एक स्टैटिस्टिक्स है, स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से अगर देखें तो जैसे जैसे आपकी पॉपुलेशन हमारी 20 करोड़ 22 करोड़ चलेगी, 8-10 करोड़ से, तो जब वो 22 करोड़ पे गई तो उसकी परसेंटेज डेफिनेटली कम होगी, क्योंकि स्टार्टिंग में जो उनकी परसेंटेज थी वो 2% थी। अगर अभी वो उसी पॉपुलेशन के हिसाब से वो बढ़े और ये हम पॉपुलेशन के हिसाब से 22 करोड़ हुए, तो ये स्टैटिस्टिक्स के लिहाज से 2% जो है वो जो उनकी आप बता रहे हैं जिस हवाले से, वो मेरा ख्याल है शायद एक यही वजह है कि स्टैटिस्टिक्स पॉइंट के हवाले से अगर आप इसको चेक करें तो ये जो है वो पॉपुलेशन उतनी ही होगी जिस ग्रोथ से हम बढ़े, हमारी ग्रोथ की परसेंटेज उससे ज़्यादा बढ़ी क्योंकि हमारा जो वॉल्यूम है हजम है वो ज़्यादा है। भाई तू तेरा स्टैटिस्टिक्स रख तेरे पास, नहीं तो वो स्टैटिस्टिक्स मार के तेरा सर फोड़ दूंगा मैं। भाई मैं ये मानता हूँ कि तुम्हारा वॉल्यूम ज़्यादा है बच्चे पैदा करने में, लेकिन भाई इसका मतलब ये नहीं कि मतलब धड़म से 25% से घट के सिर्फ 2% हिंदू रह गए 75 ईयर्स में, घट घट के 25% से 15% घट जाते, 10% तो बचता ना भाई, मतलब 2%, ये कैसा लॉजिक है? अब ये मत कहना कि हिंदू उधर बच्चा पैदा नहीं करते, साला कितनों को फोर्स कन्वर्टेड करवाया, कितनों को मार डाला, ये क्या हमें पता नहीं? सर यहाँ पर कोशिश किया जाता कि आप और मैं भी और बहुत सारे हिंदू के इंटरव्यू किया मैंने भी, वो कहते हैं कि भाई के यहाँ पर जब मुस्लिम से मिलते हैं तो वो जब हमारा नाम सुनते साथ ही वो अलग से रिएक्ट करते हैं,
वो हमें कोशिश करते हैं कि कन्वर्ट करवा ले ताकि हमारे रिलीजन्स में आए। और बहुत सारे हिंदू कहते हैं कि यहाँ पर हमारे चाचा परदादे जो थे, अगर हम भी देखें तो हम भी कन्वर्टेड हैं, हमारे बैग से हम वो सैयद तो नहीं है ना, हम कन्वर्टेड हैं। तो कोशिश करते हैं कि मुस्लिम के कन्वर्ट करवाया जाए। तो बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा कि किसी ने ज़बरदस्ती कन्वर्ट किया हुआ, इसमें कितनी सच्चाई है? मेरे नहीं ख्याल कि इस्लाम जो है वो आपके अब से या इससे पहले भी कभी इस लिहाज से इस्लाम फैला है कि इस्लाम जो है वो ज़बरदस्ती इम्प्लीमेंट किया गया। ये इस्लाम जो है ये हमेशा ब्रदरहुड के ऊपर और अख़ुवत के साथ और लोगों के साथ अच्छे जो बर्ताव है उसकी वजह से इस्लाम जो है वो ज़्यादा फैला है। और यही वजह अभी भी यहाँ पे दावत देना, देखें इस्लाम में दावत देना कोई बुरी बात नहीं, दावत देते हैं, लेकिन कभी फ़ोर्स नहीं किया हमने कभी किसी को कि यार फोर्सली आप इसमें आ जाएँ, दावत देने में कोई बुराई नहीं है। आप क्या समझते हैं कितनी सच्चाई है इस बात में? मेरे ख्याल में तो बिल्कुल भी नहीं है सच्चाई इसमें, बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है इसमें। तेरे ख्याल में एक बहुत ही बड़ा कंड। और भाई रही बात दावत देने की, भाई दावत उसे दिया जाता है जो भाई किसी धर्म में ना हो, नॉन रिलीजन पीपल, जैसे कि यूरोपियन कंट्री हो गया, रशियन, अमेरिकन, ये भाई नॉन रिलीजन पीपल है, इनका कोई धर्म ही नहीं है, उन्हें जाके दावत दो। हिंदू को क्यों दे रहे हो? क्योंकि भाई वो तो हिंदू धर्म में है, नहीं चाहिए तुम्हारा दावत भाई। आइंदा से अगर ऐसा दावत भेजा ना तो मेरा घोड़ा फेंक के मारूंगा, तेरा सर फोड़ दूंगा, सच बता रहा हूँ। तो देखें कि अगर इंडिया को ग्लोबल रिलीजन इंडेक्स ने पहले नंबर पर रखा, कहा है कि माइनॉरिटीज जहाँ पर जितनी इंडिया में आज़ादी है कहीं किसी भी कंट्री में आज़ादी नहीं है, इसको कैसे देखते हैं आप? इसको सबसे पहले तो डिनाय करता हूँ कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप इंडिया में गए, इंडिया में जो उसकी RSS है वहाँ पे देख लें और जो वहाँ पे मुसलमानों के साथ सलूक होता है, मुसलमान जो है वो उसकी मेजॉरिटी के बाद सेकंड पॉपुलेशन है, लेकिन वहाँ पे आप देख लें मुस्लिमों के साथ क्या होता है, उनके घर नहीं जलाए जाते क्या, आए हर साल आपको कोई नए से नए वाक़ात नहीं मिलते। लेकिन इसके बरक्स पाकिस्तान में देख लें आपको कौन से ऐसे पॉइंट मिले हैं, मासवाए चंद इक्का दुक्का के, इक्का दुक्का हमारे पास भी हुए हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ, सॉरी मैं आपको कट कर रहा हूँ, अगर देखा जाए तो इंडिया की आबादी 1.35 अरब की आबादी है, वहाँ पर मुसलमान पाकिस्तान से ज़्यादा रहते हैं। अगर देखा जाए तो नॉन मुस्लिम के साथ पाकिस्तान जो कि मुसलमान है वो माइनॉरिटी में है, समझ रहे? अगर इतने ज़्यादा 1 अरब हिंदुओं के साथ रह के 35 करोड़, तो छोटी सी बात है, एक थॉट अलग, एक रिलीजन पॉइंट ऑफ अलग, एक खुदा को मानने वाले अलग, सोचे रखने वाले, तो छोटे मोटे लड़ाई झगड़े होने की तो आम सी बात है या नहीं, आप बताएं ईमानदारी से बताएं। जी ये मैं आपकी बात मानता हूँ छोटे से, लेकिन छोटे से लड़ाई झगड़े नहीं होते। अगर आप इसको देखना चाहें तो आप जितनी भी यूट्यूब चैनल्स हैं या जो जितने भी सोशल मीडिया से लिंक हैं उनसे ये आप अखज़ कर सकते हैं कि उनके हर साल जो होते हैं मुसलमानों के घर जलाए जाते हैं, मुसलमानों के दरमियान जो है वो फसादात करवाए जाते हैं और प्लान कराए जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि वो एक तरफा होके वो काम हो जाता है या उसके पीछे कोई बेस नहीं होती, वो बेस प्लान। भाई मैं जब भी इनको देखता हूँ ना तो भाई मेरे अंदर से एक चप्पल निकलती है और ये बोलती है भाई मार दे, जो भी होगा देखा जाएगा। सही बात है। साला जिस देश में हिंदू लाइक डायनासोर्स के जैसे विलुप्त हो रहे, वो देश हमें सिखाया गया कि मतलब माइनॉरिटी सेफ्टी कैसे करा जाता है। और भाई हमें और कोई काम धंधा नहीं है, तुम्हारी तरह हरदम ये सोचते रहे भाई इस मुस्लिम के घर को कैसे जलाए हम। और ये तो भाई ऐसा बोल रहा है जैसे कि एक फेस्टिवल हो जो हर साल मुस्लिम को घर जलाया जाता है, तुम्हारी तरह आतंकवादी नहीं है हम साले चूतिए लोग। क्या बात है सर, ये बात है। एक और बात मैं यहाँ पर करना चाहूंगा कि अभी देखें कि हम चाहते हैं कि भाई हमारा कंट्री डेवलप हो, हमारी कंट्री डेवलप होगी एक जगह पर जहां पर हमें 1000 किस्म की फैसिलिटीज मिल रही हैं, हमें खाने में रोटी भी अच्छी मिल रही है, हमें पहनने के लिए शूज़ अच्छे, हमें नौकरी अच्छी, हमें शादी के लिए घर अच्छा मिल रहा है, तो आप उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह जाएंगे? नहीं, मेरे ख्याल है कि हमें पाकिस्तान में बहुत अच्छा फील करते हैं और बहुत सारे, और यहाँ पर आप देखें कि लाहौर के अंदर भी कुछ पॉपुलेशन हैं जो कि अदर पॉपुलेशन है, जैसे हिंदू है, जैन मंदिर है, फलान है। मेरा ख्याल है अगर आप देखें तो जहाँ पे ऑरेंज ट्रेन बनी है वहाँ पे जैन मंदिर जो है वो डेवलप किया गया है, अगर भले वो किसी एक वाक्य की वजह से वो जलाया भी गया था लेकिन बाद में उसको डेवलप किया गया, आप देख सकते हैं कि उसके में कितनी खूबसूरती है, कितनी अच्छा जो है वो एक अच्छे तरीके से उस मिनोरिटी का ख्याल रखा गया है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि नहीं यार ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा ख्याल है ये सब कुछ है, सिर्फ बात हमारी जो है जो आगे पहुँचाई जाती है या जहाँ पर हमें ये हमारी इन्फॉर्मेशन जाती है वो पहुँचाने की हद तक कहीं कमी है। भाई कोई कमी नहीं है, अगर पाकिस्तान एक भी अच्छा काम कर लेना तो ये पाकिस्तानी हर जगह ढिंडोरा पीट पीट कर ये बता देते हैं कि भाई हमने अच्छा काम किया है। और भाई रही बात वो जो जैन मंदिर रीबिल्ड मतलब हो चुका है, मतलब कह रहे थे कि बहुत सुंदर लग रहा है, मुझे लगता है भाई जो पाकिस्तान में जो मुस्लिम है ना उन्हें अभी तक नहीं पता इस बात का, भाई जब उन्हें पता चलेगा वो मंदिर भी तोड़ दिया जाएगा और ये बात सच है जो कि तुम मानोगे नहीं। तो हम यहाँ पर चाह रहे हैं कि हम मेरे चैनल के वसात से ये चाहता हूँ कि दोनों मुल्कों के दरमियान सुलह हो जाए,
इस बात को कैसे देखते हैं कि अगर हम पुरानी बातें खोलें तो सुलह पॉसिबल है? मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान और इंडिया ने अगर तरक्की करनी है तो इन दोनों के मफाद में सबसे बेहतरीन ये है कि ये यहाँ पे अमन होना चाहिए। अमन होना चाहिए और अमन के लिए दोनों की तरफ से कोशिशें ज़रूरी हैं और इससे मोहब्बत और भाईचारा है। जैसे हमने यहाँ पर जो है करतारपुर कॉरिडोर खोला, इंडिया को भी बहुत से पॉइंट खोलने चाहिए। कुछ कश्मीर की तरफ से पॉइंट है, रावलाकोट की तरफ से, इधर से पॉइंट है जहाँ पे लोग आपस में एक दूसरे से मिल सके। और यकीन माने कि जो लोग ये वीडियो देखते हैं ना इंडिया से, वो लोग यही कहते हैं कि यार हम इतना मोहब्बत करते हैं आप लोगों से भी और यहाँ से भी आप लोगों से मोहब्बत करते हैं। पिछली बातों को बुला देना चाहिए गाइस, प्यार करने का टाइम है अभी सब कुछ। यकीन करें ट्रेड अगर पाकिस्तान और इंडिया की स्टार्ट हो जाती है ना तो फिर भी हो, लेकिन ट्रेड भी हमारी हुकूमत गवर्नमेंट्स दोनों मुल्कों की गवर्नमेंट्स करने नहीं देती। ट्रेड के बारे में कुछ दो चार लफ्ज़ कहते हैं उसके बाद वाइंड अप करते हैं। असल में ट्रेड के वाले से बहुत सी जो प्रोडक्ट्स थी यहाँ से एक्सपोर्ट होती थी, उधर से इंपोर्ट होती थी, वहाँ से यहाँ से छुआरे जाते थे, उधर से यहाँ नमक जाता था और वहाँ से जो है रेशम जो है वो बड़ी तादाद में आती थी। और ये बहुत से लोगों का रोज़गार भी था और जितनी यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट है, तो मेरा ख्याल है कि ये एक बेहतर कॉरिडोर खोलना चाहिए और दोनों पर तजारत जो है ना वो हमारी किसी और कंट्री की निस्बत हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, थैंक यू सो। चलो भाई, लास्ट में इन्होंने कुछ तो अच्छा मैसेज दिया और सुनकर मुझे अच्छा भी लगा। लेकिन भाई ये बॉर्डर वगैरह खोलने की बात मत किया करो यार, क्योंकि हम इधर बॉर्डर खोल देंगे और तुम्हारी जो पाकिस्तानी जो गवर्नमेंट है उधर से वो आतंकवादी छोड़ देगी हमारी तरफ और मरेंगे हम इंडियंस। और फिर आप सोशल मीडिया रिपोर्टर उसी न्यूज को खबर करके मीडिया पर लाएंगे। आप सिर्फ बोलने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकते। अगर पाकिस्तान में कोई अच्छी गवर्नमेंट आए जो कि टेररिज्म को सपोर्ट ना करती हो तो फिर मतलब रिलेशन अच्छे होने की कोई संभावना हो सकती है। नहीं तो भाई अभी के लिए तो जो इमरान खान और जो शहबाज शरीफ ये दोनों ही चूतिए हैं, इन दोनों के आने से तो मतलब समझ लो खत्म। तो बेसिकली मेरा आज का आपसे बात करने का पर्पस ये कि ग्लोबली रिलीजन इंडेक्स एक इदारा है जो हर साल के अंदर ये लिस्ट निकालता है कि कौन सी कंट्री के अंदर रिलीजन्स ज़्यादा महफूज हैं। तो उसके जो उनसे लिस्ट के मुताबिक उसने जो लिस्ट निकाली है उसके मुताबिक इंडिया का नंबर वन है जहाँ पर रिलीजन्स अपने अपने मतलब कि उनको आज़ादी हासिल है। पाकिस्तान का उसका रैंक है 104। उसके मैं बात करूं चाइना का उसमें 90 नंबर पर आ रहा है। अगर मैं बात करूं रशिया का 52nd आ रहा है। क्या समझते हैं आपके, क्या इंडिया वाकई में ही रिलीजन्स के लिए ज़्यादा महफूज है, लेकिन जहां पर हमारे किताबें और हमारे लोग जो बताते हैं कि वो कहते हैं कि वहां पर मुसलमानों के साथ ज़्यादा जुल्म और ज़्यादा होती है, इस बात में कितनी सच्चाई है? मैं इस पर बिल्कुल बिलीव नहीं करता। अगर या तो ये फिर सोशल मीडिया झूठा है या मीडिया झूठा है कि आप जो कह रहे हैं कि वहाँ पे ज़्यादा महफूज हैं लोग, बिल्कुल कतन ऐसा नहीं है। जो हिंदू है वो हर एक को अपनी तरफ हांकने की कोशिश कर रहे हैं, मुसलमानों के साथ भी ज़्यादती हो रही है, वहाँ सिखों के साथ भी ज़्यादती हो रही है और पारसाइयों के साथ भी ज़्यादती हो रही है। आप देख रहे हैं कि वहाँ तहरीक आज़ादी की जंग लड़ी जा रही है, खालिस्तान बनने की बातें हो रही हैं। अगर वो इतने रिलीजियस हैं और न्यूट्रल हैं तो क्यों उधर ऐसे हो रहे हैं? ये एक ही कायनात में मजहब इस्लाम ऐसा है जहाँ हर एक को आज़ादी है, वहाँ छोटे को, बड़े को, हिंदू को, सिख को, ईसाई को, और पाकिस्तान इसी कौमी नज़रिए की बुनियाद पे बना था। साला अगर पाकिस्तान सबको हक देने के लिए बनता ना तो भाई वो एक डेमोक्रेसी होता, आतंकवादी मुल्क नहीं। पाकिस्तान सिर्फ मुसलमानों को हक देने के लिए ही बनाया गया था, इसलिए वो इंडिया से टूट के अलग हुआ। और भाई रही बात खालिस्तान की, जिसे भाई पाकिस्तान ने आग लगाई थी, वो भी भाई धीरे धीरे कम हो जाएगी जब भाई पाकिस्तान के गांड में ना अच्छे से डंडा पड़ेगी। क्या बढ़िया था गुरु। और फिर पाकिस्तान बना और पाकिस्तान में आप देख रहे हैं कभी भी ऐसी बात नहीं है। इधर भी मैं आपको दिखा सकता हूँ, इधर हिंदुओं की दुकानें भी हैं इस वक्त इधर, और वो सिंध से आए हुए हैं, वो अपनी आज़ादी के साथ काम कर रहे हैं। और आप अगर कल आते तो आपने देखा होगा कि सिख फैमिली के कई लोग आए हुए थे और ईसाई भी इधर घूम रहे हैं, कोई किसी को तंज नहीं करता। लेकिन इस तरह आज़ादी इंडिया में नहीं है कि कोई मुसलमान इधर आज़ादी से घूमे जहां उनका फेस्टिवल चल रहा हो हिंदुओं का, और वो मुसलमान इतनी आज़ादी से घूम सकेगा जहां ऐसे हिंदू और सिख घूम रहे हैं। भाई मैं इस बात को आपको समझाता हूँ कि क्यों मुस्लिमों को हिंदुओं के फेस्टिवल में अलाउड नहीं है, क्योंकि भाई मुस्लिम खाते हैं बीफ भाई। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी मुस्लिम हैं जो कि भाई बीफ नहीं खाते, लेकिन भाई उन्हें पहचानना थोड़ा मुश्किल है। और भाई हमारे धर्म में मतलब हिंदू धर्म में गाय को पूजा करा जाता है और भाई उनका बीफ खाना महापाप है। तो भाई इसी वजह से मुस्लिमों को हिंदुओं के फेस्टिवल से आने में अलाउड नहीं है। लेकिन भाई हमारे जो मार्केट है उधर भाई अगर आप जाके देखें ना
तो भाई इतने मुसलमान दुकान है, मतलब इतना तो पाकिस्तान में नहीं होगा। तो भाई इस बात को समझो और ये वाली जो डिफरेंस है इसको थोड़ा समझो। सर पाकिस्तान के इस टाइम जो उनसे पॉलिटिकल हालात, जो कि हमारे सियासी हालात हैं, इस टाइम मुल्क के अंदर आप देखेंगे इंडिया की वर्ल्ड की फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया। अगर आप इकोनॉमिकल लिहाज से देखें इंडिया एक डेवलप कंट्री बन गया, वहाँ पर हर एक को मतलब कि वो चीज़ हासिल है। सर एक अभी देखेंगे यहाँ पर कितनी ज़्यादा गुर्बत बढ़ गई है, इसको कैसे देखते हैं आप? जी भाई इस पे भी मैं मानने को तैयार नहीं हूँ, जितनी इंडिया में गुर्बत है उतनी पाकिस्तान में नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा हमारे लोगों का जो जिंदगी मेयारे ज़िंदगी है वो बहुत अच्छा है। आप किसी भी कसाब की दुकान पे चले जाएं, किसी परचून वाले के पास चले जाएं, आप सुबह देखें सब्जी लगी होगी, शाम को देखें आपको कुछ नहीं मिलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह लोगों का अच्छा मेयारे ज़िंदगी है, यहाँ तक तलक इंडिया का है। वहाँ तो आसाम वो जो पीछे बैक हैं ओडिशा वगैरह, वहाँ के लोगों को पुरसाने हाल कोई नहीं है, उनको पूछने वाला कोई नहीं है, उनको रोटी देने वाला कोई नहीं है। चाचा मैं खुद उड़ीसा से हूँ और भाई उड़ीसा अभी का उड़ीसा बता रहा हूँ मैं, अभी का उड़ीसा मतलब इतना डेवलप्ड हो चुका है ना, मतलब तुम्हारा तकरीबन 35% पाकिस्तान को लपेटे में ले लेगा। इधर उड़ीसा में फ्री में राशन मिल रहा है, फ्री में 1 रुपीज़ में चावल, 1 रुपीज़ में व्हीट मिल रहा है, और तुम्हारे पाकिस्तान में क्या मिल रहा है? भीख? जाओ जाओ भाई भीख मांगो जाकर। ये बढ़िया था गुरु। अगर लिटरेसी रेट देखें, अगर हम जीडीपी भी देखें, जीडीपी के लिए पाकिस्तान की इस टाइम जो उनसे फॉरेन रिजर्व है तकरीबन $8 बिलियन है। अगर जीडीपी की मैं बात करूं इंडिया की तो $1.3 ट्रिलियन की जा रही है, इसको कैसे देखते हैं सर? अगर किसी मुल्क की अगर डेवलपमेंट देखनी हो तो नो डाउट कि हम मानने को इस बात को तैयार नहीं होते कि भाई हम इंडिया से किसी चीज़ में पीछे हैं, लेकिन ये फैक्ट्स हैं, इस बात को हमें तस्लीम करनी पड़ेगी कि वो डेवलप हो चुका। अभी ये बात तो मैं मानने को तैयार हूँ कि जो उनका लिटरेसी रेट है वो हमसे बहुत अच्छा है, बल्कि बांग्लादेश का भी हमसे अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं है। तो कि हमारा लिटरेसी रेट वो नहीं है, हमारा एजुकेशन का मेयार वो नहीं है जो इंडिया का है। वही तो भाई, इसलिए आप इतने जाहिलों वाली बात कर रहे। समझिए इस बात को, पाकिस्तान में एजुकेशन की बहुत ही ज़्यादा कमी है। जिस दिन भाई ये कमी पूरी हो जाएगी उस दिन भाई सारा एक्सट्रीमिनिज्म खत्म हो जाएगा। और भाई आप जो ये जाहिलों वाली बात कर रहे हैं ये भी भाई और नहीं करेंगे। तो चाचा जी देश पढ़ाओ और देश बढ़ाओ। सो दैट्स इट गाइस, ये था आज का वीडियो। और भाई कमेंट करके बताएं वीडियो आपको कैसी लगी, और भाई आपका इस इंडेक्स के बारे में क्या कहना है। और भाई अगर मैं आपको बताऊँ ना तो भाई ये इंडेक्स बिहार के एक मतलब थिंक टैंक ने निकाला था, ये जो इंडेक्स है रिलीजियस माइनॉरिटी इंडेक्स, ये भाई बिहार के एक थिंक टैंक ने निकाला था। तो भाई जाते जाते अपने कमेंट थॉट जरूर कमेंट बॉक्स से बताते हुए जाना। तो भाई मैं जल्दी ही मिलता हूँ आपसे एक न्यू टॉपिक लेके, एक न्यू सा इंटरेस्टिंग सा वीडियो लेके, आप लोगों को एंटरटेनमेंट करने के लिए और आप लोगों तक खबर पहुँचाने के लिए। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद। वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिए। वंदे मातरम।